हे दोस्तों, श्रीपर्णा श्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी साइकोलॉजी सिखाऊंगी, ये अगर आप सीख जाओगे तो आपके पार्टनर आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। और भी इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्या क्या बेनिफिट मिलेगा मैं आपको अभी बता रही हूँ, तो बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा इस साइकोलॉजी सीखने से। पहला तो है, वो आपकी हर बात मानेगा, मतलब कि आपके पार्टनर आपकी हर बात मानेंगे, ठीक है। और दूसरा है, पार्टनर आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, मतलब सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड है, पार्टनर आपको हमेशा इम्प्रेस करने के लिए सोचेंगे, मतलब हमेशा उनके दिमाग में यही चलेगा कि आपको कैसे और ज़्यादा इम्प्रेस किया जाए। चौथा क्या है, वो आपसे कभी भी बोर नहीं होंगे, आपके पार्टनर कभी भी आपसे बोर नहीं होंगे। तो इतने सारे बेनिफिट आपको मिलेगा बस एक साइकोलॉजिकल ट्रिक सीखने से। तो ये क्या है, ये क्या चीज़ है, कौन सा साइकोलॉजी है? तो ये है दोस्तों, रिवर्स साइकोलॉजी। तो अभी मैं आपको पहले सिखाऊंगी कि रिवर्स साइकोलॉजी को कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ध्यान से सुनना, हर पॉइंट ध्यान से सुनना, समझना, फिर ही आप इसका अप्लाई कर पाओगे। और जैसे ही करोगे फिर आपको मैजिक देखने को मिलेगा, मतलब जो जो बेनिफिट मैं बताई वो आपको एकदम आंखों के सामने देखने के लिए मिलेगा। तो कैसे इसको अप्लाई करना है, चलिए ध्यान से समझ लीजिए। तो पहला जो बात है ना, रिवर्स का मतलब ही ये है कि ऑपोजिट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उल्टा उल्टा काम करना है, मतलब उल्टा उल्टा कहना है जो भी आप चाहते हो। मतलब मान लो आप उससे शादी करना चाहते हो, ठीक है, तो आपकी रिएक्शन से ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आप शादी में इंटरेस्टेड नहीं हो। मतलब कि जो भी आप चाहते हो, आपकी रिएक्शन ऐसा होना चाहिए कि आप उसका उल्टा चाहते हो। मान लो आपको शादी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप बहुत ज़्यादा शादी के लिए उतावले हो, तो हमेशा अपने पार्टनर को ऐसा कहना कि शायद हमारी शादी नहीं हो पाएगा, शायद हमारी पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या फिर शादी करके क्या फ़ायदा, बाद में तो झगड़ा होना ही है। इस टाइप की बातें आपको बोलना है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आप चाहते हो कि वो आपको बहुत ज़्यादा समय दे, वो आपके साथ हमेशा रहे, साथ रहना चाहे, तो आप लोग पहले ये गलती कर देते हो। उसको हमेशा बोलते हो कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम मुझे समय नहीं देते हो, तुम मेरे साथ रहो ना, तुम मेरे साथ बात करो ना, इस तरह से जो करते हो ना, तो वो और दूर चले जाते हैं। तो उससे ये एकदम साइकोलॉजी सिखा रही हूँ, ध्यान से सीख लीजिए। तो आपको क्या करना होता है, आपको ऐसा दिखाना होता है कि आपके खुद के पास टाइम नहीं है, मतलब कि आपके पास बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा समय निकलता है और उससे आप उनके साथ बात करते हो या फिर मिलते हो। तो फिर क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम आपके साथ बिताना चाहेगा। मतलब समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि आप जो चाहते हो वो आप बोल नहीं सकते, और जो आप बोलते हो या फिर जो आप बोलोगे वो आप एक्चुअल में चाहते नहीं हो। बस ये चीज़ आपको करना है। मतलब मान लो आप फ़ोन में उसके साथ ज़्यादा टाइम बात करना चाहते हो, तो आप जल्दी फ़ोन रखो, मतलब आप ऐसा दिखाओ कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, अभी मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अगर आप ऐसे जल्दीबाजी दिखाओगे ना, तो सामने वाला ज़्यादा टाइम निकालेगा आपके साथ फ़ोन पे बात करने के लिए, वो ज़्यादा उतावले रहेंगे आपके साथ लंबे समय तक फ़ोन में बात करने के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको ज़्यादा SMS करे, तो आप उसको बिल्कुल ही कम SMS करो, कम मैसेजेस करो। एक्चुअल में ऐसा होता है, आप किसी को भी कोई भी काम करने बोलते हो ना, तो वो चीज़ नहीं करना चाहता है, उसको लगता है कि ये चीज़ मैं क्यों करूँ, सामने वाला अगर मुझसे कुछ मांग रहा है तो मैं उसको ये चीज़ क्यों दूँ, ये क्यों वाले क्वेश्चन उसके दिमाग में हो जाता है। अगर आप टाइम मांगते हो तो वो सोचते हैं मैं इतना टाइम क्यों दूँ, और अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बात करना चाहते हो तो उसको लगता है कि मैं इतना ज़्यादा फ़ोन पे बात क्यों करूँ। और सबसे बड़ी बात है, जब आप ज़्यादा करना चाहते हो तब जाने अनजाने सबकॉन्शियसली उसके माइंड में आप ये चीज़ बिठा देते हो कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। और जैसे ही आप हमेशा अवेलेबल होते हो, वैसे ही आप धीरे धीरे वैल्यूएबल कम हो जाते हो, कम वैल्यूएबल हो जाते हो, और उससे क्या होता है, सामने वाला आपको और ज़्यादा इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाओगे तो सामने वाला तो इग्नोर करेगा ही ना, क्योंकि उसको पता है कि आप तो उसके लिए हो ही, जब मर्जी वो चाहे वो आपको पा सकते हैं। तो इस तरह से रिलेशनशिप क्या होता है ना, बिगड़ जाता है। इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, आपको जो चीज़ भी चाहिए आप उसका उल्टा करो, उल्टा दिखाओ, उल्टा कहो, ठीक है। तो फिर सामने वाला आपके
ऊपर से कभी भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि वो हमेशा सोचेंगे कि आपको कैसे इम्प्रेस किया जाए, आपको कैसे वो पा सकते हैं, किस तरह से वो आपके साथ ज़्यादा टाइम बात कर सकते हैं, किस तरह से वो आपका टाइम सारा जो है ना खींच सकते हैं। तो यही सब उसके दिमाग में चलेगा, तो फिर क्या होगा, वो कभी भी आपको छोड़ के जाने की बात सोचेंगे नहीं, हमेशा वो आपके हर बात मानने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि मान लो आप ऐसा दिखाते हो कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है, तो फिर आप अगर कभी भी ऐसा दिखाते हो कि अभी मेरे पास 1 घंटा है, चलो बात करते हैं, तो वो 1 घंटा आपके पार्टनर बात करे बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है ये 1 घंटा अगर बात ना हो तो पता नहीं कब बात होगा, या फिर हो सकता है पूरे दिन में बात हो ही नहीं, तो चलो अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, ऐसा कुछ नहीं दिखाते हो, तो अगर आप बोलते हो मैं 1 घंटा फ्री हूँ, तो सामने वाला कहेंगे नहीं नहीं मेरा काम है, हम बाद में बात करते हैं, फिर हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपनी वैल्यू बढ़ाओ, और क्या है ना, सामने वाले के ऊपर ये रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई करो, फिर देखना वो कभी भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जा पाएंगे, वो हमेशा आपके ही पीछे भागेंगे, वो हमेशा आपको ही इम्पोर्टेंस देंगे, आपकी ही बात मानेंगे। तो ज़रूर आप ये साइकोलॉजी इस्तेमाल करके देखना। तो सच के लिए इतना ही, ऐसे वीडियोज रेगुलरली चाहते हो तो सिर्फ ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन दबा लीजिए, और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हो तो कॉल मी फोर एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।